माया 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबर पर। विवादित बयान के मामले में चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक लगा दी है। आयोग ने 48 घंटे के लिए मायावती के प्रचार पर भी रोक लगाई है। आयोग का ये आदेश कल सुबह 6 बजे से लागू होगा। आयोग ने ये आदेश योगी आदित्यनाथ और मायावती के चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान को लेकर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले पर सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषण देने और धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले नेताओं पर कार्रवाई न करने को लेकर चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आयोग से मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपने ऐसे बयानों पर कुछ नहीं किया, आपको इन बयानों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आचार संहिता तोड़ने को लेकर वह नोटिस और एडवाइजरी जारी कर रहा है और न ही किसी पार्टी को अपंजीकृत कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अपनी ताकत जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुनावी अभियान में हेट स्पीच और सांप्रदायिक बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग के अधिकारों की जांच करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मामले की कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेंगे और मंगलवार को चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि मौजूद रहे। कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने उनकी अली बजरंगबली की टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा था कि अगर आपको अली पर भरोसा है तो हमें बजरंगबली पर भरोसा है। इस नोटिस के जवाब में सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने वह बयान देवबंद में बसपा प्रमुख मायावती के मुस्लिम मतदाताओं से अपील के जवाब में दिया था। मायावती का बयान स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक था, जिसे चुनाव आयोग ने भी नोट किया था। वहीं मायावती ने देवबंद में बसपा सपा गठबंधन की पहली संयुक्त रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बरेली जिलों में मुस्लिम मतदाताओं से अपील की थी। मायावती ने कहा था कि मैं इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को सावधान करना चाहती हूं कि पूरी यूपी में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लायक नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।